So, दोस्तों काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि Redmi 10 Prime इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले कैसा होगा, इसका कैमरा कैसे होने वाला है, साथ ही स्मार्टफोन के अंदर हमें बैटरी कितनी देखने को मिलेगी और ये स्मार्टफोन हमें किस प्राइस पर और कब इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इन सभी के जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और साथ ही हम ये जानने वाले हैं कि इस स्मार्टफोन के अंदर हमें क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है और क्या कुछ हम पहले ही देख चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर से बने रहेगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप यहाँ पर Redmi 10 Prime स्मार्टफोन परचेस करने का मन बना रहे हैं तो वीडियो के लास्ट तक जरूर से बने रहेगा। साथ ही फ्रेंड्स वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और हाँ फ्रेंड घंटी बटन को दबाना मत भूलेगा ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि Redmi 10 ये स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है और यही स्मार्टफोन आपको इंडिया के अंदर एज अ Redmi 10 Prime नाम से देखने को मिलने वाला है। सो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं यहाँ पर इस स्मार्टफोन के बिल्ड क्वालिटी की। सो फ्रेंड्स हमेशा की तरह स्मार्टफोन के अंदर भी आपको यहाँ पर प्लास्टिक की फ्रेम और प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा फ्रंट में आपको यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से यहाँ पर आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के डिजाइन की। दोस्तों तो इस बार का जो डिजाइन है ये आपको काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है। खास तौर पर इसका जो बैक लुक है दोस्तों वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। यहाँ पर आपको 4 कैमरा सेंसर देखने को मिलते हैं, साथ ही आपको यहाँ पर LED फ्लैश का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा आपको थोड़े से नीचे यहाँ पर आपको रेडमी की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ में इसके फ्रंट में आपको यहाँ पर पंच होल कटआउट डिजाइन देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। वहीं पर इस फोन के लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर और साथ ही पावर बटन एक साथ में देखने को मिल जाएगा और उसी के साथ में आपको यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर्स के बटन भी देखने को मिल जाते हैं। जहाँ तक बात है इस फोन के बॉटम की दोस्तों तो यहाँ पर आपको 3.5 mm हेडफोन जैक, USB टाइप सी की पोर्ट, इसके अलावा आपको यहाँ पर बॉटम फायरिंग स्पीकर भी देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट भी दिया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये काफी अच्छी बात है गाइस क्योंकि बजट रेंज में स्टीरियो स्पीकर्स काफी कम स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इसका मतलब हुआ कि मूवीज वगैरह के टाइम और साथ ही गेमिंग के टाइम पर आपको यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं इसके फ्रंट लुक की दोस्तों। तो यहाँ पर आपको पंच होल कटआउट डिजाइन देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको यहाँ पर चीन और बिजल भी ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल गाइस आपको यहाँ पर डिजाइन भी काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा और ये जो स्मार्टफोन है ये आपको यहाँ पर 3 कलर ब्रांड के साथ में देखने को मिल जाता है, पीबल व्हाइट, पीबल ग्रे और साथ ही पीबल ब्लू। तो ओवरऑल देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको डिजाइन काफी अच्छा दिया गया है। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलने वाली यहाँ पर 6.5 इंच की फुल HD प्लस की IPS LCD डिस्प्ले जहाँ पर आपको 2400x1080p की रिजोल्यूशन देखने को मिल जाएगी और साथ ही आपको यहाँ पर 90Hz तक की रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाली है। और गाइज यहाँ पर आपको एडेप्टिव रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया जिसका मतलब अगर आप यहाँ पर इमेजेस वगैरह चेकआउट कर रहे हैं तो आपका डिस्प्ले यहाँ पर 45Hz की रिफ्रेश रेट पर काम करेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर वीडियोस वगैरह देख रहे हैं तो आपका जो डिस्प्ले वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 60Hz की रिफ्रेश रेट पर काम करने लगेगा। कुछ इसी तरीके से दोस्तों जब आप गेमिंग करेंगे तो आपका जो डिस्प्ले है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 90Hz की रिफ्रेश रेट पर स्विच हो जाएगा। और इसके साथ में आपको यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको इस प्राइस के हिसाब से काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस फोन के कैमरा की दोस्तों। तो इस फोन के बैक में आपको यहाँ पर 4 कैमरा सेंसर देखने को मिलने वाले हैं जहाँ पर आपको मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा 50 मेगापिक्सल का। हालांकि ये कौन सा सेंसर है अभी तक यहाँ पर Xiaomi की तरफ से कोई कंफर्मेशन न्यूज नहीं आई है, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर आपको सैमसंग का सेंसर जरूर से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा गाइस आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का ही डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस प्राइस के हिसाब से यहाँ पर आपको बैक कैमरा का सेटअप काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। बात करें सेल्फी की तो यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जो कि आपको पुराने स्मार्टफोन में भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी अपग्रेड की जरूरत थी, कम से कम यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का सेंसर होता तो और भी ज्यादा अच्छा होता। कि दोस्तों प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा भी ठीक देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से 30fps पर फुल HD की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं स्मार्टफोन के पावर हाउस यानी दोस्तों स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलने वाली है 5000mAh की बैटरी जहां पर आपको 18 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और जैसा कि दोस्तों आपको यहां पर Redmi Note 9 स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिला था 22.5 वोल्ट का जो चार्जर है वो आपको यहाँ पर बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। तो देखा जाए तो फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल रहा है तो ये भी एक काफी अच्छी बात है। हालांकि स्मार्टफोन यहाँ पर सिर्फ 18 वोल्ट की ही चार्जिंग को सपोर्ट करता है और साथ ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पर चार्जिंग के लिए टाइप सी की पोर्ट देखने को मिल जाती है।
चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की। तो इस फोन के अंदर आपको बहुत ज्यादा अपग्रेड तो देखने को नहीं मिलेगा। इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर मीडियाटेक हेलियो G88 का चिपसेट ही देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको मीडियाटेक हेलियो G85 की तरह ही देखने को मिल जाएगा। ये प्रोसेसर भी आपको यहाँ पर 12nm फैब्रिकेशन पर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको 64-bit के आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, ये जो प्रोसेसर है, यहाँ पर आपको दो कोर देखने को मिल जाएंगे आर्म कॉर्टेक्स A75 के, जो कि आपके हाई परफॉर्मेंस टास्क को यहाँ पर हैंडल करेंगे। साथ ही आपके मीडियम टास्क को यहाँ पर हैंडल करने के लिए आपको यहाँ पर 6 कोर देखने को मिलने वाले आर्म कॉर्टेक्स A55 के, जहाँ पर आपको 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड देखने को मिल जाएगी। तो डेली टास्क और मल्टीटास्किंग वगैरह में आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और जहाँ तक बात है दोस्तों गेमिंग की, तो इस फोन के अंदर भी आपको यहाँ पर सेम GPU देखने को मिल जाएगा, आम वाली G52MC2 का GPU, जो कि एक ड्यूअल कोर GPU होने के साथ में आपको यहाँ पर 1 GHz तक की मैक्स फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छी मिलेगी, साथ ही आपको यहाँ पर इस प्राइस के हिसाब से डिसेंट लेवल की गेमिंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगी। वैसे दोस्तों, ये जो प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर यहाँ पर eMMC 5.1 को सपोर्ट करता है, जो कि आपको यहाँ पर Redmi 10 Prime स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर Redmi 10 Prime स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर LPDDR4X की RAM का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। बात करें यहाँ पर स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की दोस्तों, तो इस फोन के अंदर आपको 4 और 6 GB रैम के दो वेरियंट देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर आपको 128 और 64 GB की इनबिल्ट स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर ग्लोबल मार्केट में जो स्मार्टफोन लॉन्च किया गया, वहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट दिया गया है। तो फिलहाल के लिए अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया कि इंडिया के अंदर भी आपको यहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलेगा या फिर ट्रिपल कार्ड स्लॉट। तो गाइज, ये बात तो यार इंडिया के लॉन्च के बाद ही पता चलेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्मार्टफोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर आपको MIUI 12.5 देखने को मिल जाएगा, जो कि MIUI 12 से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुका है। काफ़ी सारे बग्स को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। तो देखा जाए तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए यहाँ पर सेंसर्स की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको जितने भी सेंसर हैं सबके सब देखने को मिल जाएंगे। तो सेंसर्स में आपको यहाँ पर कोई भी कमी देखने को नहीं मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्मार्टफोन की प्राइसिंग और स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की दोस्तों। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की गाइस। तो यहाँ पर खुद ऑफिशियल तौर पर रेडमी की तरफ से कंफर्मेशन आ चुकी है कि जो स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन आपको 3 सितंबर को लॉन्च होता हुआ देखने को मिलने वाला है इंडिया में। इसके अलावा बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग की दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया, यहाँ पर 4 GB रैम 64 GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में अराउंड 11,000 रुपये की प्राइस पर। स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये स्मार्टफोन 11,000 की प्राइस पर बिल्कुल भी जस्टिफाई देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये स्मार्टफोन थोड़ा सा ऊपर की प्राइस पर आता है तो ये आपको थोड़ा सा ओवर प्राइस देखने को मिल जाएगा, और अगर कम प्राइस पर आता है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात देखने को मिल जाएगी। वैसे फ्रेंड्स, आप सभी को क्या लग रहा है, ये स्मार्टफोन आपको किस प्राइस पर इंडिया के अंदर देखने को मिलना चाहिए, कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। साथ ही बताएगा कि ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यार, लाइक और शेयर करके ही जाइएगा। साथ ही फ्रेंड्स, हमें सपोर्ट करने के लिए या फिर ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।